बाबेन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लाडवा विधायक पवन सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों को संबोधित करते हुए विधायक पवन सैनी ने कहा, भारत कभी भी आर्थिक रूप से कमजोर नहीं रहा, लेकिन देश की भ्रष्ट व्यवस्था के कारण देश संगठित न होकर समाज की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। उन्होंने कहा कि देश को आजाद करवाने वाले वीरों ने अपने प्राणों की कुर्बानी देकर आजादी हासिल की है। हम उन वीरों को सत सत नमन करते हैं। भारत देश की आजादी के पावन पर्व पर हर देशवासी को देश की मान मर्यादा व अखंडता को बनाए रखने के लिए संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि यह आजादी हमें देश के महान वीरों के बलिदानों से मिली है और इस आजादी की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। मेरे पत्रकार साथी रवि जी, सोमवार जी, सभी साथीगण, सभी अभिभावकगण, आज इस राष्ट्रीय पर्व पर हिंदुस्तान की आज़ादी की 73वें वर्ष का 73वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। आज़ादी के इस स्वतंत्रता जो हमें प्राप्त हुई है, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम करके बलिदान दे करके इस महाभारत की आजाद कराने का काम किया, मैं हम सबको श्रद्धा से अर्पित करता हूँ। बताएंगे 15 अगस्त का क्या संदेश देंगे? देखिए, आज देश की आजादी का 73वां जो स्वतंत्रता दिवस है और ये राष्ट्रीय पर्व है, मैं जहाँ सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए प्राणों का निछावर किया, बलिदान किया, उन सबको मैं श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और पूरे हल्का वासियों को, देश और प्रदेश वासियों को इस स्वतंत्र देश की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज एक रक्षा का भी आज संकल्प है बहन का और भाई का, मैं सभी बहनों को भी इस रक्षाबंधन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज आपने स्कूल में झंडा फहराया, इसके लिए बच्चों को क्या संदेश दिया? देखिए, बच्चों को मैं कह सकता हूँ, आज का जो दिवस है, ये जो राष्ट्रीय पर्व है हमारा, ये एक संकल्प का दिवस है, तो ऐसे दिवसों पर अपने को मेरा देश आगे कैसे बढ़े, मेरा देश फिर से दुनिया का सरताज बने, दुनिया का विश्वगुरु बने, दुनिया में फिर हिंदुस्तान का परचम, इस भारत माता का मुकुट फिर से लहराए, उसके लिए हमें सब वादों को छोड़ करके